नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्लेशियर्स और रिवर्स, यानी हिम नदियाँ एवं नदी के बारे में। पहले हम लोग ग्लेशियर के बारे में देखेंगे। तो ग्लेशियर में देखेंगे क्या, हम किस प्रकार से हम प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे। तो जिस प्रकार CPSC और स्टेट PCS में क्वेश्चन आई है, उस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो आती यह आता है कि भारत की सबसे बड़ी हिम नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय की हिम नदियों, जो हिम रेखा है, हिम नदी नहीं हिम रेखा है, उसकी ऊंचाई में अंतर क्यों है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि पूर्वी हिमालय निम्न अक्षांश होने के बावजूद जो है, यहाँ पर हिम रेखा जो है नीचे है 4300 मीटर है, जबकि पश्चिमी हिमालय उच्च अक्षांश होने के बाद भी वहाँ की हिमरेखा जो है 5800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि विषुवतीय प्रदेशों में हिमरेखा की क्या ऊंचाई होती है। और ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि विभिन्न हिम नदियों से किस प्रकार की नदियों, कौन कौन नदियों की उत्पत्ति होती है। तो आइए देर न करते हुए इसी संदर्भ में, इसी ट्रेंड पर हम हिम नदी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग रिवर पर आएंगे। तो पहले है कि ये हिम नदी किसे कहते हैं। तो हिम की नदी को हिम नदी कहते हैं। हिम नदी की निचली सीमा को स्नोलाइन कहते हैं। और इसके जो हिम रेखा है, हिम रेखा के निर्धारण करने के लिए पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है टोपोग्राफी माने अक्षांश स्थलाकृति, तीसरे को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन वर्षा, और चौथे को बोलते हैं टेम्परेचर, और फिफ्थ को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ये जो पांच जो कारक यहाँ दिखे छः पांच कारक दिखाया गया है, ये ग्लेशियर को निर्धारित करने वाले नहीं है, ये किसके हैं, स्नो लाइन को निर्धारित करने वाले कारक। अगर स्नो लाइन निर्धारित होता है तो ग्लेशियर की भी सीमा निर्धारित हो ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि पहले ग्लेशियर क्या है, रिवर क्या है, और स्नो लाइन क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पर्वतीय भाग है, पर्वत का शिखर है। यहाँ पर ये जो है, इसका जो है ये स्नो लाइन है, मतलब सॉरी स्नो लाइन नहीं, ये जो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस की लाइन है। इसके ऊपर में जब जाते हैं तो तापमान माइनस में है, इसके नीचे जाते हैं तो तापमान प्लस में है। इसका जब 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर जब जाते हैं तो तापमान माइनस में होता है, इसका मतलब कि यहाँ जो ह्यूमिडिटी विद्यमान है, जो पानी विद्यमान होगा, वो सारा का सारा जो द्रव के रूप में होगा, लिक्विड के रूप में होगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सॉलिड रूप में आ जाएगा, सॉलिड के रूप में। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, पानी जो सॉलिड के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर में जो जम जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से निम्न तापमान पर जो जम जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ग्लेशियर। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हिमनद, या ग्लेशियर या हिमनद। ठीक, यही ग्लेशियर जब 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर होता है, जैसे जैसे उच्च भाग से निम्न भाग की तरफ आते हैं पहाड़ी भागों में, और जब तापमान ऊंचा होने लगता है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और इसे जब पिघलने के बाद क्या होता है, नदियों की उत्पत्ति होती है। तभी तो हम कहते हैं कि किस ग्लेशियर से किस नदी की उत्पत्ति होती है। तो ये जो इस प्रकार से ठोस के रूप में जो हिम था वो द्रव के रूप में बदल जाता है, तो नदी की उत्पत्ति हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नदी। ये हमारा हो गया नदी। तो ग्लेशियर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस से निम्न तापमान पर उच्च अक्षांशों में विद्यमान होता है, या उच्च यदि कुछ ऊंचाई विद्यमान होता है, हिम नदी है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान पर निम्न अक्षांशों में या पहाड़ी के निम्न भागों में जो नदियाँ विद्यमान होती है, वो जो पानी द्रव के रूप में विद्यमान होता है और जब धारा के रूप में प्रवाहित होता है, वो क्या हो गया, नदी। और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यही हमारा क्या हो गया, स्नो लाइन। चूँकि इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो ताप उसके बाद क्या होता है, स्नो देखने को मिलता है। अब एक शब्द देखने को मिलता है, शायद आप लोग सुना होगा, स्नो और आइस क्या है। तो स्नो जो होता है वो रुई की फाही की तरह होता है, जैसे स्नोफॉल होता है, रुई की फाही की तरह होता है। लेकिन जब जब लगातार किसी जगह पर लगातार स्नोफॉल होते रहता है, फलते रहता है, तो ये जो स्नो जो होता है, जो रुई की तरह होता है, वो काफ़ी कंप्रेस्ड हो जाता है। जब कंप्रेस्ड हो जाता है तो काफ़ी सॉलिड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइस। ठीक है, तो ये हम लोग ग्लेशियर क्या होता है, आइस ही होता है, स्नो नहीं होता, आइस होता है, चूँकि वो सॉलिड रूप में होता है, रुई की फाही की तरह नहीं होता है। ये कि हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि स्नो लाइन जो है विषुवतीय प्रदेश में क्या है और ध्रुवीय प्रदेश में क्या है।
तो विषुवतीय प्रदेश में हम जानते हैं कि विषुवतीय प्रदेश जो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश है वो क्या होता है, विषुवतीय प्रदेश होता है। ये हमारा है विषुवतीय प्रदेश। और ये जो 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री ये हमारा है ध्रुवीय प्रदेश यानी पोलर रीजन, पोलर रीजन। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश में सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, सूर्य के यहाँ पर इंसुलेशन का जो होता है इंसुलेशन, और जो सन रे का इंक्लेशन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण सूर्य तब ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सी लेवल, यहाँ पर जो स्नो लाइन है वो कहाँ होता है, सी लेवल पर होता है। 90 डिग्री अक्षांश या पोलर रीजन पर जो स्नो लाइन होता है वो सतह के पास होता है, वो स्नो लाइन सी लेवल के पास होता है। लेकिन जब ही हम ध्रुवीय विषुवतीय प्रदेश की तरफ जाते हैं वहाँ स्नो लाइन क्या होता है, काफ़ी ऊंचाई पर होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तब ज़्यादा प्राप्त होता है, यहाँ पर संवहन तरंगें काफ़ी ऊंचाई तक चलती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर स्नो लाइन ऊपर चला जाता है। जो स्नो लाइन ध्रुवीय प्रदेश में सी लेवल के पास था वही अब सी लेवल से कहाँ पर बढ़ जाता है, सी लेवल से अधिक ऊंचाई पहुँच जाता है, 5600 मीटर से लेकर के 6100 मीटर के बीच की ऊंचाई किसकी हो जाती है, स्नो लाइन की हो जाती है। कहाँ पर, विषुवतीय प्रदेश में। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की हिमरेखा में डिफरेंस क्यों है, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए पश्चिमी हिमालय जो सब ये पूर्वी हिमालय जो है, पूर्वी हिमालय की हिमरेखा जो है 4300 मीटर है, यही हमारी स्नो लाइन है, स्नो लाइन की यही है। जब पश्चिमी हिमालय में यही जो है ये जो है 5800 मीटर हो जाता है, 5800 मीटर, ठीक है। अगर हम सामान्य ढंग से सोचें तो हम जानते हैं कि ये जो जो जम्मू कश्मीर का ये इलाका हमारा जो है उच्च अक्षांश में है, तो उच्च अक्षांश में है तो यहाँ पर हिमरेखा ज़्यादा नीची होनी चाहिए थी 5800 मीटर की तुलना में, लेकिन 5800 मीटर है, ठीक। ये पूर्वी हिमालय में, जो पूर्वी हमारा हिमालय का भाग है ये पूर्वी हिमालय, ये निम्न अक्षांश में है, तो यहाँ पर हिमरेखा जो है ज़्यादा ऊँचाई पर होनी चाहिए थी, जबकि वस्तुतः यह कितना है, कम ऊँचाई पर है, 4300 मीटर पर ही है, ठीक है। तो दोनों तरह को अगर देखें कॉन्सेप्ट तो उल्टा लगता है अक्षांश के दृष्टिकोण से, लेकिन हमने पहले स्लाइड में देखा है कि जो हिम रेखा के निर्धारित करने वाले कारक हैं उसको कई हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, लैटिट्यूड है, टोपोग्राफी है, प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है। तो जब ये से जो 5 जो कारक हैं अगर इसको हम पूर्वी हिमालय पर लागू करते हैं, तो जानते हैं कि पूर्वी हिमालय में क्या होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का ये क्षेत्र है पूर्वी हिमालय का ये भाग। तो जब ज़्यादा वर्षा होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है हमेशा ज़्यादा बना रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बन रहा है तो टेम्परेचर में थोड़ा सा भी कमी आता है तो क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो टेम्परेचर और गिरने लगता है। जब ये गिरने लगता है तो स्नो लाइन जो है वो काफ़ी नीचे तक आ जाता है। और दूसरा बात है कि जो स्नो जो यहाँ पर जो ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर जो नीचे की तरफ खिसकते हैं तो वो खिसकते काफ़ी नीचे तक चले आते हैं। और जब नीचे की तरफ इसलिए आते हैं, क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पर निचले भागों में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर निचले भागों में कम होता है तो खिसकते हुए क्या होते हैं, वो नीचे की तरफ चले आते हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर स्नो लाइन 4300 मीटर पहुंच जाता है। और यही जब पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो पश्चिमी हिमालय की यहाँ की जो हवा है वो क्या है, शुष्क है, वर्षा यहाँ पर कम होती है और ये शुष्क इलाका है, और शुष्क होने के कारण यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो जिसके सिचुएशन पॉइंट होना चाहिए था वो बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत ऊँचाई पर जाना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है, यहाँ पर जो ग्लेशियर जो है 5800 मीटर पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये था पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियर के ऊँचाई में अंतर का कारण, और जिसको जो 5 कारक है, ऑप्शन में 5 कारक रहेंगे, 5ों कारकों को तुलनात्मक रूप से देख करके आपको ऑप्शन को ठीक लगाना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। तो जब भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन है। इसकी लंबाई जो है 76.44 मीटर, 76.44 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखेंगे। ये भारत में पहले स्थान पर आता है, कौन, सियाचिन, 76 किलोमीटर या 76.44 या 76.5 किलोमीटर। जब दूसरे की बात करते हैं ग्लेशियर की भारत में, तो हमारा कौन सा आता है, वो आता है हिस्पर। ये देखिए यहाँ पे हिस्पर आ जाता है, ये कितने स्थान पे आता है, ये दूसरे नंबर पर आ जाता है हिस्पर,
61 किलोमीटर है। जब हम लोग तीसरे ग्लेशियर की बात करते हैं तो वो तीसरा ग्लेशियर हमारा आता है बियाफो, ये कितना है 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। और ये जो है इसके बाद हमारा कौन आता है, बाटूरा आ जाता है, कितना पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये कितना किलोमीटर है, ये जो है 58 किलोमीटर है। और ये सारे के सारे ग्लेशियर देखिए, ये सब सारा काराकोरम श्रृंखला पर है, ये काराकोरम और यहीं पर ना है, सारा काराकोरम पर है ये, ध्यान रखेंगे। पीर पंजाल और उससे भी है, धौलाधर पर भी है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कम आते हैं, आपको यहीं से आते हैं काराकोरम। आपको ध्यान रखना हिस पर गैशर ब्रूम, ये गैशर ब्रूम है, हिस पर है, गैसर ब्रूम है, सियाचिन है, रेमो है, रेमो की कितनी है 40 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लेशियर की, जो उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर है यहाँ पर देखिए यमुनोत्री है, ये यहाँ पर यमुनोत्री, ये यमुनोत्री का लोकेशन है, ये हमारा गंगोत्री का लोकेशन है हिमानी का, ये हमारा पिंडारी है, ये हमारा काफनी ग्लेशियर है। ये हम जानते हैं कि यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, पिंडारी से पिंडारी नदी निकलती है, इस सब हम जानते हैं अच्छी तरीके से। और काफनी यहाँ पर, और ये देखिए जम्मू यहाँ पर सिक्किम में यहाँ पर कौन सा है, वो है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है, वो है सिक्किम में, इसकी लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर है। तो आपको सब 25 किलोमीटर नहीं देखना है, आप अगर इसको ध्यान रखते हैं, सियाचिन को ध्यान रखते हैं, सियाचिन को अगर ध्यान में रखिए, पहला को, दूसरा को ध्यान रखिए, इस पर को, तीसरा रखिए बाटूरा को, तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। हाँ, लोकेशन आपको आ सकता है किस राज्य में है, कैसे है, तो आप मैप में मानचित्र में अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं कि कौन कहाँ पर है। तो ये था हमारा ग्लेशियर, ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चन। तो ग्लेशियर में लोग क्या देखा, हिमनदी क्या है, स्नो लाइन क्या है, नदी क्या है, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग में स्नो लाइन के में अंतर क्यों है, विषुवतीय प्रदेश में स्नो लाइन की क्या ऊंचाई है, और ध्रुवीय प्रदेश में स्नो लाइन की क्या ऊंचाई है, इतने टॉपिक को देखा। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं आए और आएंगे भी नहीं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नदी से जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने टॉपिक से जुड़े होते हैं, इतने ही टॉपिक से, जैसे कि नदी का सोर्स क्या है, मतलब उसका स्रोत क्या है, और उसका मुहाना क्या है, माउथ क्या है। अगला क्वेश्चन हो सकता है या होता है कि एंटीसीडेंट रिवर क्या है, सुपर इम्पोज रिवर का क्या उदाहरण है, इन दोनों का उदाहरण जरूर पूछता है। एंटीसीडेंट रिवर मतलब कि पूर्ववर्ती नदी, इसका होता है पूर्ववर्ती नदी, और उसका होता है अध्यारोपित नदी, अध्यारोपित नदी, इसके एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है। अगला पूछता है कि किस ग्लेशियर से किस नदी की उत्पत्ति होती है। इसके बाद होता है कि किस नदी की तुलनात्मक रूप से कौन लंबी है, कौन छोटी है, लेंथ के बारे में। फिर बेसिन से भी क्वेश्चन होता है, आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ, जब जो कावेरी बेसिन काफ़ी विवाद में था, तो क्वेश्चन एक बार कावेरी बेसिन का डायग्राम दे दिया था और पूछा था कि ये किस नदी का बेसिन है। तो बेसिन के लिए एक मोटे तौर पर आपकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी फिजिकल क्या बैकग्राउंड है, किस प्रकार से आकृति बनती है, तो ये बेसिन हो गया। इसके बाद हिमालय से कौन नदियाँ निकलती है, और पेनिनसुलर इंडिया से कौन सी नदी निकलती है, और किस नदी की कौन सी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, और ये भी आता है कि कौन सी नदी जो है लेफ्ट से बाएं से मिलती है, और कौन नदी जो है राइट से मिलती है। अगर नदी पढ़ रहे हैं और इतने सारे एंगल से हम उस टॉपिक को देख रहे हैं नदी को, तो तय मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको इतने ही एंगल से आप नदी को पढ़ें। तो आइए देर न करते हुए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और पहले हम देख लेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर है, उसके बाद अगर मैं टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। देखिए ये जो नदी है ये तो बनाया जा चुका है कुछ को, लेकिन बाकी हम बनाते हैं, उसके बाद सभी नदियों को हम लोग बारी बारी से समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है, ये है हमारी दामोदर नदी, ये इस नदी को हम लोग बोल देते हैं महानदी, महानदी हो गई। ये नदी जो है यहाँ पर, गोदावरी हो गई, और गोदावरी की ये सारी जो है सहायक नदियां हैं, और सहायक नदी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये क्वेश्चन इसे आते हैं।
ये हमारा जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कावेरी नदी, यहाँ पर ये जो है इसको ये माही नदी है, यहाँ पर ये जो है लुनी नदी है, यहाँ ये जो है ये नर्मदा नदी है, और ये जो है यहाँ पे ये ताप्ती नदी है। ये महत्वपूर्ण नदियों को मैंने यहाँ दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं कि सबसे बारी बारी से समझ लेते हैं नाम दे करके क्या स्थिति है। जब सिंधु के बारे में, ये जो सिंधु है इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक कोड याद कर लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। देखिए एस बी आर सी जे और एस, ये शुरू में भी लास्ट में भी है, तो ये एस है, इसका मतलब है सतलज। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सतलज। इसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं बी, मतलब प्यास, कौन सा हो जाएगा ये बी। इसके बाद हमारा आर आते हैं रावी, ये कौन सा हो जाएगा आर। इसके बाद हम आते हैं चेनाब, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा सी। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, झेलम के बारे में, झेलम ये हमारा हो जाएगा ये झेलम। और इसके बाद फिर ये एस, एस मतलब फिर ये सिंधु, सिंधु। तो इतनी महत्वपूर्ण नदियों को अगर हम इस प्रकार से याद कर लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। एस बी आर सी जेड, इसको याद कर लीजिए एस बी आर सी जेड को। और अब जो है हम बात करते हैं कि किस नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत जो है हम यहीं से करते हैं, सिंधु नदी तंत्र से ही। तो सिंधु नदी तंत्र से बात करते हैं तो यहाँ पर सिंधु नदी ये जो है ये यहाँ पर है मानसरोवर लेक, तो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से। मानसरोवर लेक से कौन सी नदी निकलती है, मानसरोवर सिंधु नदी। मानसरोवर लेक से कौन सी निकलती है, सिंधु नदी। और ये जो है इसके बाद हम बात करते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी है, इसको हम लोग बोलते हैं झेलम। तो झेलम जो है कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पीर पंजाल से। झेलम का स्रोत कौन सा है, ध्यान रखेंगे पीर पंजाल, जो श्रेणी है मध्य हिमालय का पीर पंजाल, उससे कौन सी निकलती है, झेलम, ध्यान रखेंगे। तो मानसरोवर से सिंधु, पीर पंजाल से झेलम। इसके बाद हम बात करते हैं चेनाब के बारे में, चेनाब कहाँ से निकलती है, चेनाब तो चेनाब निकलती है हिमालय से ही निकलती है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश का इलाका है वहीं से निकलती है चेनाब। चेनाब ये जो है निकलती है हिमाचल प्रदेश से ही, चेनाब यहाँ से निकलती है। और ये जो यहाँ पे चंद्रा और भागा जो है दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उनके मिलने से, संगम से, चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलती हैं, उसी से क्या निकल उत्पत्ति होती है, और राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करते हैं चिनाब के, बात करते हैं हम लोग रावी के बारे में। रावी जो निकलती है वो निकलती है यहाँ पर है कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रा से निकलता है, रा से रोहतांग, रा से रावी, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब है सिंधु, सॉरी एस से सतलज, जो सतलज है वो निकलती है कहाँ से, मानसरोवर के पास ही जब जाते हैं तो यहाँ पर राक्षस ताल है, हम जाएंगे देखेंगे तो ऊपर में यहाँ तो कौन है, मानसरोवर है, ये मानसरोवर हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, इसको बोलते हैं राक्षस ताल, राक्षस ताल, ठीक है। तो इतना हम लोग कर लेते हैं तो सिंधु नदी तंत्र जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है।
अब सिंधु नदी तंत्र की जब देख लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे किस पे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर हम लोग बात करते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो है वो देखते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यहाँ से, और चोमोडुंगयांग, एक यहाँ पर चोमोडुंगयांग, चोमोडुंगयांग यहाँ पे ग्लेशियर है, और चोमोडुंगयांग ग्लेशियर से ही कौन निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है हमारा, कौन सा है ये, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो आगे की तरफ बढ़ती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूछने के ख्याल से, इसको हम लोग चर्चा करेंगे एक अलग अभी अगले स्लाइड में। तो आगे हम बढ़ जाते हैं यहाँ से, इसको ना छोड़ते, ब्रह्मपुत्र को भी नहीं करेंगे, गंगा को भी नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर किस पे, तो हम बात करते हैं लूनी के बारे में। ये हमारी जो है लूनी है, कौन सी नदी है, लूनी रिवर, ठीक है, लूनी रिवर। ये उदयपुर जो श्रृंखला है उदयपुर के पूर्वी और पश्चिमी भाग से निकलती है, कहाँ से निकलती है, उदयपुर के पश्चिमी भाग से, क्योंकि ये उदयपुर श्रृंखला यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ पे पश्चिम, ये पूर्वी भाग हो जाएगा और ये पश्चिमी भाग, तो उदयपुर के पश्चिमी भाग से। पूछता है कि लूनी किधर से निकलती है, पूर्वी भाग से कि पश्चिमी भाग से, तो ध्यान रखेंगे कि लूनी नदी जो है अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग से निकलती है। यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं माही, ये कौन सी रिवर है, माही, माही रिवर है, ठीक है। और माही रिवर के बारे में क्या महत्वपूर्ण है कि माही रिवर जो है एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को, ये हमारी जो कर्क रेखा है उसको कितनी बार काटती है, दो बार काटती है, देखिए दो बार यहाँ कर्क रेखा को काटती है माही रिवर, इसको ध्यान रखेंगे कि माही रिवर जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब जो है यहाँ पे है, चूंकि इनकी उत्पत्ति के स्रोत के बारे में नहीं बताया, इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं ज्यादा होता, चूंकि लेकिन सिंधु नदी की जो सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ हैं उनकी उत्पत्ति पूछता है, इसलिए वहाँ मैंने फोकस किया, यहाँ जो कैरेक्टर था माही का लूनी का मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं नर्मदा के बारे में। नर्मदा की जब बात करते हैं तो नर्मदा जो है ये देखिए यहाँ से निकलती है नर्मदा, यहाँ से नर्मदा नदी, ये नर्मदा है हमारी, इस नदी को हम लोग बोल देते हैं नर्मदा रिवर, नर्मदा, नर्मदा नदी। ये जो है निकलती है अमरकंटक से, क्योंकि हम जानते हैं कि सतपुड़ा में महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, उसके बाद आगे जाकर के कौन था, राजमहल, तो महा, ये जो नर्मदा है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हम बात करते हैं किसके बारे में, तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी जो है ये निकलती है मध्य प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है तापी नदी। ये हो गया तापी नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं इधर में आते हैं पूर्वी भाग में, चूंकि हम ब्रह्मपुत्रा और गंगा को मैं करूंगा अलग से डिटेल में, तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम बात करते हैं किस पर, इस नदी के बारे में बात करते हैं। तो ये नदी जो है इस नदी को हम बोल देते हैं, ये नदी जो है इसको हम लोग बोलते हैं दामोदर रिवर, दामोदर नदी, ये दामोदर रिवर, दामोदर रिवर हो गया। ये जो है इस रिवर को हम लोग बोल देते हैं महानदी रिवर, महानदी, महानदी रिवर, ठीक है। महानदी रिवर भी कहाँ से निकलती है, तो महानदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। ये भी पूछता है कि अमरकंटक से कौन महानदी निकलती है, तभी कहाँ निकलती है, अमरकंटक से भी निकलती है महानदी भी। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो महानदी का, ये जो है ये इस नदी को हम लोग बोलते हैं तेल रिवर, इसको क्या बोलते हैं, रिवर तेल, तेल रिवर। ये तेल रिवर जो है महानदी की सहायक है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि तेल रिवर जो है किस नदी की सहायक है,
तो किसकी सहायक है? महानदी रिवर की, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं गोदावरी के बारे में। तो गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी देखिए, ये तो मूल गोदावरी है और बाकी ये जो है सहायक है। तो गोदावरी में ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे जो इसको हम लोग बोल देते हैं, ये इसको हम लोग बोल देते हैं पेनगंगा। तो पेनगंगा किसकी सहायक हो जाएगी? गोदावरी की, ध्यान रखेंगे। पेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की। इसके बाद यहाँ पर ये इसको हम लोग बोल देते हैं वैनगंगा, ये भी किसकी सहायक है? गोदावरी की। वैनगंगा इसको ध्यान रखेंगे, वैनगंगा, ठीक है। और ये हो गया पेनगंगा, पेनगंगा और एक और सहायक नदी निकलती है, उससे जरूरी नहीं है लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि पेनगंगा, पेनगंगा जो है किसकी है? गोदावरी की सहायक है और ये गोदावरी है जाकर के यहाँ पे गिरती है बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ पर जो है गोदावरी के दक्षिण में एक और नदी जो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सी नदी? कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ये हमारी कौन सी है? कृष्णा रिवर। और ये जो है कृष्णा की सहायक जिसे हम लोग बोल देते हैं तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर, ये हमारी हो जाती है तुंगभद्रा नदी। और ये नदी जो है इसको हम पूछ देते हैं कावेरी, इसको क्या बोल देते हैं? कावेरी, कावेरी रिवर। ये नदियां हैं, ठीक है, जिसको कि हमें जानना जरूरी था। मैं अभी गंगा और ब्रह्मपुत्रा को डिटेल में चर्चा करूं, इससे पहले मैं कावेरी के बारे में कुछ बातों करना चाहता हूं। कावेरी के बारे में ये महत्वपूर्ण है, कावेरी नदी जो है चार राज्यों से गुजरती है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु और पांडिचेरी। ये जो जगह दिखाई दे रहा है, ये जो जगह दिखाई दे रहा है पे, ये पांडिचेरी, ये पांडिचेरी का ही इलाका है। और पांडिचेरी का ये जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं कराईकल, कराईकल पांडिचेरी का ही भाग है जिसे बोल देते हैं हम कराईकल। तो चार राज्यों से, एक राज्य कर्नाटक हो गया, दूसरा केरल हो गया, तीसरा तमिलनाडु हो गया और चौथा पांडिचेरी हो गया। पांडिचेरी का भी कौन सा जगह है? कराईकल है, जहाँ से ये गुजरती है। अब इतनों से जब देखने के बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक से जो नदी निकलती है उसमें ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी है। महानदी है, एक तो हमारी हो जाएगी महानदी, दूसरी हमारी हो जाएगी नर्मदा और तीसरी एक और नदी है जो यहाँ से निकलती है और ये चली जाती है कहाँ पर, आकर के मिल जाती है यहाँ पर, इसको हम लोग बोल देते हैं सोन। ये कौन सी नदी है? सोन रिवर, ये हमारा है सोन रिवर। ये भी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से, ठीक है। और एक चीज मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं दिखाया हूँ यहाँ पे ब्लैक रंग का जो दिखाया गया है, ये दिखाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी सीमा है और ये जो है सतपुड़ा दिखा रहा है, कुचेरी सतपुड़ा का इलाका है और ये जो है दिखाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का ये सीमा का निराकरण करता है। उसके बाद हमारा मैदान का इलाका शुरू हो जाता है। तो गंगा के बारे में हम बात करेंगे और आगे में, ठीक है, लेकिन हम एक बात कर देते हैं यहाँ पे जरूरी है, वो है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोल देते हैं यमुना, और यमुना जो आ करके मिल जाती है कहाँ पर? प्रयागराज में। तो ये हमारा कौन सा जगह हो जाता है? इसको हम लोग बोल देते हैं प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में गंगा, ये गंगा हो गई और ये यमुना आकर के मिल जाती है प्रयागराज में। ये तो है ही, इसके साथ साथ में जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सीमा मैंने दिखाया था इस प्रकार से, ये इलाका ऐसे क्यों दिखाया था? वो इसलिए दिखाया था कि ताकि मैं ये बता सकूं कि जो इससे मिलने वाले जो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से आकर के गंगा तंत्र की हिस्सा बनती है, कौन कौन सी नदियां हैं, ताइए उसको हम देखें। तो यहाँ से जो नदी जो आकर के मिलती है यमुना में, यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पर, ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं जो मिलते हैं यमुना में, इसको बोल देते हैं चंबल। ये कौन सी नदी? इसको क्या बोल देते हैं? चंबल। चंबल के पूरब से कौन नदी जो यमुना में मिलती है, इसको हम लोग बोल देते हैं सिंध। ये कौन सी नदी है? इसको हम लोग बोल देते हैं सिंध, SIND सिंध।
इसके बाद इसी के बगल से कौन नदी निकलती है, इसको हम लोग बोल देते हैं बेतवा। ये कौन सी नदी है, इसको हम लोग बोल देते हैं बेतवा रिवर, रिवर बेतवा, ठीक है। इसके बाद जो है एक और नदी निकलती है जिसको जो बेतवा के पूर्व में इसको बोल देते हैं केन। और इसके बाद जो है जो यमुना में मिलती है, ये हमारा कौन सा हो गया केन, ठीक है केन। और इसके बाद जो है एक और नदी मिलती है जो कि यमुना में नहीं मिलती है, जाकर के सीधे सोन में मिलती थी, सॉरी गंगा में मिलती है, वो कौन सी है सोन रिवर। ये तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पूछता है कि चंबल के पूर्व और पश्चिम में, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कोड बना लेंगे चंबल है, ठीक है। चंबल के बाद क्या है सिंध है, सिंध के बाद बेतवा है, बेतवा के बाद कौन है केन है, ये हमारा था केन। सी एस बी के ये कोड याद रखेंगे। यमुना की सहायक नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत से आकर के मिलती है, पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत से आकर के कौन सी नदी जो है गंगा सिंधु इति गंगा सिंधु तंत्र का हिस्सा बनता है, कौन कौन सी नदियाँ, तो आप याद रखेंगे आसानी होगी। सी एस बी के चंबल सिंध बेतवा और केन ये सहायक नदियाँ हैं गंगा सिंधु तंत्र की, और ये यमुना की सहायक है क्योंकि यमुना भी गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है। अब इतनी चीज़ों को देखने के बाद जो है जो हम देख लिया, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे पढ़ करके गंगा और ब्रह्मपुत्रा पर, ठीक है। अगर एक नदी पूछ ये आता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी निकलती है, इसको ध्यान रखेंगे। कावेरी के बारे में बात हो चुकी है, बहुत सारी बातें यहाँ हो गई हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है जो बताया था मैंने, यहाँ से चोमो डुंगयांग, यहाँ बताया था मैंने कि चोमो डुंगयांग एक ग्लेशियर है जहाँ से निकलता है, चोमो डुंगयांग ये ग्लेशियर है, यहीं से कौन सी निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो निकलती है उसके प्रत्येक पहलू को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। और निकलने के बाद जो ब्रह्मपुत्रा को चाइना में बोल देते हैं यारलंग सांगपो, चाइना में या तिब्बत में कहिए, चूँकि तिब्बत का ही भाग है, लेकिन ये तो बात है कि तिब्बत चाइना के बाद तिब्बत और चाइना में इसको क्या बोल देते हैं यारलंग सांगपो। और ये जब यारलंग सांगपो जो है भारत में प्रवेश करता है, और भारत के हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग बोल देते हैं दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं दिहांग। और जब ये असम में प्रवेश कर देता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। तो तीन नाम यहाँ पर हो गया यारलंग सांगपो दिहांग एवं ब्रह्मपुत्रा, ये तीन नदी। और ये जो रेड कलर से यहाँ दिखाया हुआ है ये रेड कलर कौन सा है, इसी को हम लोग बोलते हैं नामचा बरवा, क्योंकि नामचा बरवा के करीब से ही यह नदी जो है हेयर पिन स्ट्रक्चर बना करके भारत में प्रवेश करती है, इसको हम लोग बोल देते हैं नामचा बरवा, यहाँ से हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे और इंडिया में प्रवेश कर देता है, इसको सिंटेंशियल बैंड भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन जो आता है ब्रह्मपुत्र नदी से, वो ये क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं यमुना बांग्लादेश में कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आता है ब्रह्मपुत्र नदी से कि ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं कौन नदी मिलती है और बाएं कौन नदी मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने में देखिए, दाहिने में ये मिलती है कौन सी, ये सुबनसिरी हो गई, इसके बाद कौन सी मिलती है मानस हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाली मानस, इसके बाद देखिए शनकोश और ये तिस्ता। तो ध्यान रखेंगे सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र के दाहिने से मिलती है, राइट से मिलती है, मानस भी राइट से मिलती है, शनकोश भी राइट से मिलती है, और तिस्ता नदी भी राइट से मिलती है। इसमें से ये भी देख ही रहे हैं कि तिस्ता जो है सिक्किम से होते हुए प्रवाहित हो रही है, संकोश मानस जो है भूटान से, देखिए क्योंकि भूटान का इलाका है, भूटान से होकर प्रवाहित हो रहा है ये, इसको ध्यान रखेंगे राइट से। और अगर पूछ जाए कि लेफ्ट से कौन नदी निकलती है, तो लेफ्ट से देखिए लोहित नदी है, लेफ्ट से निकल रही है लोहित लेफ्ट से, इसके बाद दयांग जो है ये भी कहाँ से निकल रही है लेफ्ट से आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। तो ब्रह्मपुत्र से लेफ्ट से मिलने वाली नदियों में कौन कौन है, लोहित है, दयांग है, और सोनाई रिवर है। सोनाई भी कहाँ से मिलती है लेफ्ट से, बाएं किनारे से मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ फैक्ट और फिगर।
ब्रह्मपुत्र नदी को बता ही चुका हूँ कि बांग्लादेश में यमुना बोलते हैं। अब हम आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं जो गंगा का, गंगा रिवर का फॉर्मेशन है, उसके क्या कैसे फॉर्मेशन होता है। चूँकि यहाँ पे मैंने कोड बनाया है अभागे अभादे अमरु और अपक, चूँकि क्वेश्चन आता है कि कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ की मिलती है, रुद्र प्रयाग में कौन नदी मिलती है, देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अभादे अमरु और अपक ये कोड बना रहे थे, याद रहे चूँकि बाद में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए ये तो असम है, तो ये तो पता चल गया कि अलकनंदा ही जो है, ये अलकनंदा जो है मुख्य है, यही अलकनंदा जो आगे बन करके गंगा बन जाती है। तो अलकनंदा से और ये आकर के पिंडार नदी मिलती है, और कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। इसी को मैंने नाम क्या कर दिया है, अमरु, मतलब कि अलकनंदा पिंडार और रुद्रप्रयाग में मिलती, सॉरी अपक, इसका अलकनंदा और पिंडार मिलती, इसको क्या बोल देते हैं, अपक कर्ण प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार आकर मिलती है जिस संगम पर, उसको क्या बोल देते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है, अपक हो गया। उसके बाद है अमरु, अमरु में क्या है कि अलकनंदा, चूंकि अलकनंदा से पिंडार मिलती है, अलकनंदा मुख्य नदी हो गई यहाँ पर, तब अलकनंदा और मंदाकिनी, तो अमरु ये कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के बाद इससे मिल जाती है कौन, भागीरथी नदी है, तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दे दिया है, अभादे, मतलब कि अलकनंदा में भागीरथी मिलती है कहाँ पर, देव प्रयाग में। और इसके बाद देव प्रयाग के बाद ही अलकनंदा जो है उसका नाम हो जाता है क्या, गंगा रिवर गंगा, इसके पहले ये क्या रहता है, अलकनंदा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अभादे अमरु और अपक। अब योग्य गंगा संबंधित कुछ फैक्ट फिगर हो गए, ब्रह्मपुत्रा से कुछ संबंधित फैक्ट फिगर हो गए। अब हम बात करते हैं कि गंगा नदी में ऊपरी भाग का फैक्ट फिगर था, अब थोड़ा सा मध्य भाग के बारे में समझ लेते हैं, चूंकि ये बहुत ऐतिहासिक क्वेश्चन आता है। देखिए कि ये हमारा जो है घाघरा रिवर है, ये हमारा कौन सा है, घाघरा रिवर है, और ये हमारा कौन सा है, गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर से घाघरा नदी आकर के मिलती है, घाघरा नदी आकर के मिल रही है, कहाँ पर मिलती है घाघरा नदी आकर के, छपरा में। छपरा कहाँ है, बिहार का एक शहर है। तो गंगा नदी से छपरा में घाघरा नदी मिलती है। तो घाघरा नदी जो है इसकी उत्पत्ति होती है मापचा चुंग हिमानी से किसकी उत्पत्ति होती है, घाघरा नदी को यहाँ पे हम लोग कर्णाली भी बोलते हैं। घाघरा नदी जहाँ पर उत्पत्ति होती है मापचा चुंग के पास, इसका नाम, इसको कर्णाली भी यहाँ पर है। अब ये घाघरा नदी जब आगे बढ़ती है तो उसे मिल जाती है शारदा नदी आकर के आगे, शारदा इसकी सहायक नदी हो गई, शारदा आकर के मिलती है। और शारदा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मिलाम हिमानी से। तो मिलाम और मापचा में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिलाम का संबंध है किस से, शारदा से, मापचा का संबंध है घाघरा नदी से। अब ये जब घाघरा नदी आगे बढ़ती है तो घाघरा काग नदी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरयू। इसे किनारे जो है कौन सा किनारे जो है हमारा आजमगढ़ जो पुराना नाम था, ठीक है, बट फैजाबाद जो नाम है, मतलब जो फैजाबाद वो किसके किनारे था, सरयू नदी के किनारे है। और फैजाबाद का वर्तमान में आपको पता है कि नाम बदल गया है अयोध्या, तो क्या हो जाएगा, नया नाम है फैजाबाद का अयोध्या। अब ये जब आगे जब बढ़ते हैं तो इसे आकर के मिलती है कौन, छोटी गंडक, इसके बाद राप्ती आगे मिलती है, ठीक है, और ये घाघरा के नाम से आगे बढ़ते चली जाती है। और ये कहाँ मिल जाती है, गंगा में छपरा के पास। तो देखिए यहाँ से ये घाघरा ऐसे आगे निकलती है, और घाघरा से क्या कितना नाम हो गया, घाघरा को कर्णाली भी बोलते हैं ऊपरी भाग में, घाघरा को हम लोग नीचे में सरयू भी बोलते हैं, आगे जाकर इसको फिर हम लोग घाघरा भी बोलते हैं। उसके सहायक क्या है, छोटी गंडक एवं राप्ती नदी, और भी कई नदियाँ इसकी सहायक हैं, और शारदा तो है ही उत्तरी भाग में।
ये था घाघरा घाघरा और गंगा संबंधित कुछ फैक्ट और फिगर, जिसको कुछ ध्यान रखेंगे, इस डायग्राम को मन मस्ती से बैठा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र है गंगा का ही मानचित्र है, और ये पटना जो बिहार है, पटना के आसपास की अवस्थिति को इसमें दिखाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इसे आया हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी ये पूछता है। ये देखिए गंगा को हम दिखाए हैं, ये जो कौन सा है, ये गंगा रिवर है, ठीक है, ये हमारा पटना शहर है, पटना शहर। तो पटना शहर के पहले, पटना शहर के पहले इससे आकर के एक नदी मिलती है जिसे हम लोग बोल देते हैं सोन रिवर। ये कौन सी नदी है जिसे हम लोग बोल देते हैं सोन रिवर, ठीक। पटना से थोड़ा सा पहले, हालांकि पटना ही इलाका है, लेकिन थोड़ा सा पहले, पटना के पहले, और एक जो है पटना में, पटना में उत्तर दिशा से आकर के एक नदी मिलती है जिसे हम लोग बोल देते हैं गंडक। ये एकदम नॉर्थ साइड से पटना के पास ही आके मिलती है, क्या बोल देते हैं गंडक। और पटना के बाद में, शुरू में सोन था, शुरू में सोन था, पटना में गंडक था, और पटना के बाद, पटना के बाद एक नदी आके मिलती है दक्षिण दिशा से जिसे हम लोग बोल देते हैं पुनपुन। क्या नाम है उसका? पुनपुन। तो इसको ध्यान रखेंगे, पटना में तीन नदियों का है, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन याद रखिएगा, पटना के पहले, पटना के बाद, और उत्तर से कौन नदी मिलती है, तो गंडक, सोन और पुनपुन का आप कंडीशन को यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे। अब बात करते हैं हम कि भारत में जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई क्या है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा, ये 2525 किलोमीटर है। उसके बाद गोदावरी है, गोदावरी को हम लोग बृहद गंगा भी बोलते हैं, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको हम लोग बृहद गंगा भी कहते हैं। उसके बाद जो है यमुना सबसे लंबी नदी है, और ये ध्यान रखेंगे कि यमुना जो है किसकी सहायक है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सा हो जाएगा, यमुना। यमुना तीसरे नंबर की लंबी नदी भी हो गई, और यमुना गंगा की सहायक में सबसे लंबी नदी भी हो गई, भारत की भी सबसे लंबी नदी सहायक नदी हो गई। इसके बाद हमारा नर्मदा है, 1312 किलोमीटर। इसके बाद सिंधु है, सिंधु कितना है, 1114 किलोमीटर। इसके बाद सतलज है, 1050 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र क्या है, 925 किलोमीटर। तो ये जो सिंधु को मैंने दिखाया है, तो सिंधु को सिर्फ दिखाया गया है इंडिया में, लंबाई को दिखाया गया, पूरे सब जगह की लंबाई को नहीं दिखाया गया, सिर्फ ये इंडिया में जो सिंधु की लंबाई है उस पर यहाँ फोकस किया गया है, क्योंकि इंडिया में ही ज़्यादा लंबाई को पूछता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु की कुल लंबाई आखिर कितनी है। भारत में तो चलिए 1114 किलोमीटर है, लेकिन सिंधु की कुल लंबाई कितनी थी, सिंधु की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, ठीक है। अब है कि सतलज की कुल लंबाई कितनी है, तो सतलज की कुल लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर से 1050 किलोमीटर कहाँ है, भारत में, भारत में है। अब यह कि ब्रह्मपुत्रा इंडिया में 1316 किलोमीटर है, लेकिन बाहर में टोल कुल कितने किलोमीटर है, तो ये कितनी है, 2900 किलोमीटर है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो रिवर बेसिन है किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, कैसे, चूंकि रिवर बेसिन से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो भारत में जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो है गंगा का, लेकिन गंगा का कभी पूछेगा नहीं सबसे बड़ा कौन, वो अंदर से जरूर पूछेगा, तो पूछता भी है, गंगा सबसे लंबा रिवर बेसिन है, डाटा यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा, जरूरत नहीं है सारा। उसके बाद कौन सा है, सिंधु है, उसके बाद गोदावरी का है, उसके बाद कृष्णा का है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, बस महानदी, नर्मदा, कावेरी और ताप्ती, इस प्रकार से रिवर बेसिन है, इसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको हमने शुरुआत के लिए बहुत ही आसान है, GS GK हम लोग याद करते हैं, कोड बना लीजिए GS GK। तो हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे जी मतलब गंगा, एस मतलब सिंधु, फिर जी मतलब गोदावरी, की मतलब कृष्णा, ये तो हम लोग करते हैं ना, GS GK। तो GS GK अगर कर लेते हैं, और इसके बाद हम कर लेते हैं BM बेंचमार्क है, तो इतना अगर कर लेते हैं तो काम हो जाता है, इससे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ऐसे महानदी हो जाएगा। तो GS GK बेंचमार्क है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए,
इसको ध्यान रखेंगे। जीएस जीके बेंच मार्क है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, अगर ये याद कर लेते हैं तो आपका चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। अब मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है, जो भारत का सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसके द्वारा ये जारी किया गया मानचित्र है, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा जो मानचित्र, इसमें 1, 2, 3, 4 पे नहीं जाना है, ये अलग चीज़ है, उसमें आप दिमाग नहीं लगाना है कि क्या दिया है, वो अलग चीज़ है। 1, 2, 3 को भूल जाइए कि 1 क्या है, 19 क्या है, 18 क्या है, 2A क्या है, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो गंगा बेसिन है उसकी आकृति कैसे है। खास तौर पे UPSC वालों को मैं बता रहा हूँ, चूँकि पूछ देता है। देखिए गंगा का एक डायग्राम दे देगा, पूछ देगा किसका बेसिन है ये। तो देखिए गंगा का ये साइज, चूँकि एक बार ये देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से, और आपको बताना है किसका है ये। एकदम सेम क्वेश्चन आया हुआ, अगर आप नहीं इस तरह से सोचेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है और पूछ दिया है कि किसका ये मानचित्र है, ठीक है, ऐसे ही सिर्फ सिंपल दे दिया है। और ये क्वेश्चन था, ये किसका है, ये कावेरी का है, ये क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में, PT में, प्रीलिम्स में। ये देखिए कावेरी, कावेरी का है ये। तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो हम सबके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आप जिस तरह परीक्षा देने जा रहे हैं उस तरह कम से कम उस साल उस बेसिन के बारे में देख लें। तो अगर गंगा का, तो गंगा का ये है, गंगा का देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद ये देखिए, ये किसका है, गोदावरी का है। ये किसका है, कृष्णा का है। देख रहे हैं कृष्णा का और गोदावरी के मुहाने के बाद छोटी छोटी यहाँ पर रिवर बेसिन है, जिसको कि आपको यहाँ हाईलाइट कर दिमाग में बिठा लेना है कि जब कृष्णा का देखें, कावेरी के देखें, और सिर्फ गोदावरी और कृष्णा के बारे में देखें, तो हमें ये जो पूर्वी भाग पर जो छोटे छोटे बेसिन है, इसको हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो इस पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आप बेसिन को सबसे देख लेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को आराम से देख करके बार बार इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ एक चीज़ों में से छूट गया है बताना है कि देखिए सिंधु की मैंने बात किया है। सिंधु से पहले एक नदी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं शियोक रिवर। ये हम मान लेते हैं कि सिंधु अगर है, सिंधु है तो ये हमारा कौन सा है, शियोक रिवर, शियोक है। और सहयोग की एक सहायक है जिसे हम लोग बोलते हैं गलवान भैर, गलवान रिवर, क्योंकि चर्चा में रहा है इसलिए पूछ सकता है गलवान रिवर। तो ध्यान रखेंगे सिंधु, सिंधु की सहायक सहयोग, और सहयोग के सहायक कौन है, गलवान वैली है, ठीक है। गलवान वैली को वैली ऑफ डेथ कहा जाता है, वैली ऑफ डेथ। अगर गलवान है तो वैली ऑफ डेथ हम किसको मारेंगे, गलवान को। अगर गलवान नहीं है, वहाँ पर सहयोग है, तो किसको मार देंगे, सहयोग को, वैली ऑफ उसको डेथ कहते हैं, सहयोग को भी। लेकिन अगर गलवान है तो गलवान को देंगे। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, एक ये किधर से, तो मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ प्रवेश करती है, तो उसका हम लोग बोल देते हैं यमुना, कहाँ, बांग्लादेश में। और गंगा नदी जब इसमें आती है, इसको हम बोल देते हैं पद्मा, पद्मा। तो पद्मा और यमुना जब आगे मिल करके, जब आपस में मिलती है बांग्लादेश में और आगे बढ़ती है, इसको हम लोग बोल देते हैं मेघना। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे कि यमुना और पद्मा का जो है आगे बढ़कर उसको क्या बोल देते हैं, मेघना। अब बात करते हैं जो और अति महत्वपूर्ण है, यह है कि एंटेंसिडेंट रिवर किसे कहते हैं। एंटेंसिडेंट रिवर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी। ये नदियाँ क्या होती समझ लेते हैं। पूर्ववर्ती नदी का तात्पर्य यह है कि वो नदियाँ होती है जिस पर स्थलखंड के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब किसी नदी पर, किसी भी नदी पर, नदी ऐसे जा रही है और इस नदी पर इस स्थलखंड का कोई प्रभाव कब नहीं पड़ेगा, जब नदी के द्वारा अपरदन दर, अपरदन नदी के द्वारा जो अपरदन दर है वो उसके उत्थान दर से अधिक होता है। उत्थान दर क्या, जो जहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है, अगर उस नदी का उत्थान हो रहा है तो उस उत्थान की दर नदी के अपरदन दर से कम होगा, यानी कि अपरदन दर अधिक होगा उत्थान दर से, तो नदी अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर ही उसी तरह से प्रवाहित होती रहेगी। जिस प्रकार के नदी को एंटीसिडेंट रिवर कहते हैं। हिमालय में बहुत सारी नदियाँ ऐसी है जो हिमालय के उस पार से आती हैं,
जैसे तिब्बत से बहुत सारी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, सिंधु आता है, सतलज आता है, क्या हिमालय है उसके बाद भी नदी कैसे इस पर आ जाती है? इसका मतलब कि इन नदियों के द्वारा नदी का कट इन नदियों के द्वारा पर्वत का कटाव किया गया है। तो पर्वत का कटाव क्या कैसे होगा, पर्वत का कटाव क्यों होगा? इसलिए कि जो उत्थान हो रहा है हिमालय के, उसकी तुलना में नदियों के द्वारा अपरदन दर अधिक है। इनका अपरदन अधिक क्यों है? चूँकि शुरुआती दिनों में जो इसके जो चट्टान है हिमालय का, वो काफ़ी सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत जगह ऐसा नहीं है कि कहीं पर हार्ड है, तो कहीं कहीं हार्ड है, लेकिन बहुत जगह नदियाँ क्या है, ये सॉफ्ट है, जिसके कारण ये काफ़ी तेज़ी से इनका अपरदन कर पाई है हिमालय को इन नदियों ने। तो एंट इंसिडेंट रिवर का उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इंसिडेंट रिवर का उदाहरण है सिंधु, इसके बाद गंगा, सतलज के बाद तीस्ता, घाघरा के बाद है हमारा काली रिवर, उसके बाद गंडक रिवर ETC। ये सब सारी नदियाँ क्या पूर्ववर्ती है, सिंधु, गंगा, सतलज, तीस्ता, घाघरा, काली, गंडक एवं ये सब क्या है, एंटीसिडेंट रिवर है। इन नदियों के द्वारा पर्दन दर उस क्षेत्र का स्थानीय उत्थान दर से अधिक है। दूसरा होता है सुपर इम्पोज रिवर, इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सुपर इम्पोज रिवर उन नदियों कहते हैं जो अपनी संरचना में निर्मित घाटी के आधारोपण निचली घाटियों पर कर देते हैं। अब थोड़ा सा समझाना ये है कि जैसे मान लें कि अगर कोई नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, अगर नदी जो है कहीं से प्रवाहित हो रही है, इस भाग से प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर घाटी बन जा रहा है, तो यहाँ जो घाटी जो बन रहा है, बस इसको इस तरह समझिए आप। तो ये जो है नदी घाटी है, नदी से प्रवाहित हो रही है। तो नदी घाटी से नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित हो रही तो मान लेते हैं कि यहाँ पर नदी घाटी के नीचे यहाँ पर एक संरचना है, इस प्रकार की संरचना है। इस संरचना पर नदी अपरदन करके अपना जो है घाटी का निर्माण यहाँ तक कर लेती है, लेकिन हूबहू जो है बाद में फिर इसके नीचे की जो संरचना उसको काट करके यहाँ पर नदी अपने घाटी को अध्यारोपित कर देती है। मतलब इस घाटी यहाँ जो घाटी है उसका अध्यारोपण कहा जाता है, इस घाटी पर नीचे वाले जो परत है उस पर हो जाता है। इसी प्रकार की नदी घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है। तो ये लंबवत अपरदन के द्वारा होता है। तो सुपर इम्पोज्ड रिवर का उदाहरण कौन कौन सा है, इसका उदाहरण एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें हमारा हो जाएगा दामोदर, इसके बाद हो जाएगा चंबल, बनास, गोदावरी के बाद हो जाएगा कृष्णा, नर्मदा, तापी। ये सब क्या सुपर इम्पोज्ड के उदाहरण है, ठीक है। अब जब बात करते हैं एक रिफ्ट घाटी की, तो रिफ्ट घाटी का भी उदाहरण पूछता है रिफ्ट वैली के बारे में भी, कि रिफ्ट वैली क्या है और इसके उदाहरण तो क्या है। इस पर बना चुका हूँ वीडियो रिफ्ट वैली पर, आप देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है वहाँ पर, लेकिन फिर भी रिफ्ट वैली के आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। इसमें से जो सुपर इम्पोज्ड है उसमें से सब की सब नदियाँ किस में आ जाती हैं, रिफ्ट वैली के उदाहरण है, और सारी की सारी किसकी है, रिफ्ट वैली के भी उदाहरण है, ठीक है। जिसे बनास को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये भी रिफ्ट वैली के उदाहरण है। नर्मदा भी है, तापी भी है, दामोदर भी है और कृष्णा भी, ये सब के सब क्या है, रिफ्ट वैली के भी उदाहरण, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन आप इतना समझते हैं तो काफ़ी है। अब देख लेते हैं कि नदियों से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, आइए उन प्रश्नों को हम यहाँ मूल्यांकन कर लेते हैं। देखिए जो आया हुआ है, दिया है कि दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी एस्चुरी बनाती है। तो आपके लिए आसान है, यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, अब आसानी से पहचान सकते हैं। ये देखिए कावेरी है, ये गोदावरी है, ये कौन है यहाँ पर, दामोदर है, और ये नर्मदा है।
तो आप इसका आंसर जानते हैं कौन सी एस्चुरी बनाती है। अच्छा, एस्चुरी का मतलब होता है वो नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती, उस प्रकार की नदियों को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बनाती, उस नदी को हम बोलते हैं कि एस्चुरी नदी बनाती है, यानी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा ताप्ती जो अरब सागर की जो नदियाँ हैं यहाँ पर, ये एस्चुरी नहीं बनाती, चूँकि यहाँ से करंट जो प्रवाहित होता है वो यहाँ से जो मलबा आता है उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर नदी, ये नदी जो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है वो, उसकी ऊंचाई जो है, चूँकि ये पश्चिमी घाट जो है, इस प्रकार समझिए इसके पश्चिमी घाट है, और इसे क्या हुआ है कि ये भाग नीचे की तरफ धंस गया। तो जब नदी यहाँ कोई आती है तो यहाँ पे एक तो गहराई भी ज़्यादा है, दूसरा करंट भी है, जिस वजह से यहाँ पर मलबा का जमाव नहीं हो पाता, सेडिमेंटेशन नहीं हो पाता, और ये यहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाता है। अब मुझे देखिए, सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह कौन सी है? तो सियोक है, कोसी है, झेलम है, चिनाब है। तो आसानी से इसके आंसर बता सकते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलते? गोदावरी है, नर्मदा है, महानदी है, सोन है। आराम से बता सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम है? रुद्रप्रयाग के पास देखिए अमरू, अभागे, ठीक है, अपक, देखिए लगाइए यहाँ पे फार्मूला, कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? यहाँ देखिए गंगा है, गोदावरी है, तापी है, महानदी है, देख लीजिए इसमें से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली है। कौन सी नदी प्रांत घाटी से होकर बहती है? देखिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी चर्चा हम लोग, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, देख लीजिए बेतवा है, चंबल है, केन है, रामगंगा है। कौन सी नदी झील से निकलती है? लोनार है, अरब सागर, डल झील, रुडोल्फ झील, क्रेटर, सॉरी क्रेटर झील का निर्माण कर, कौन सा क्रेटर निर्मित झील है? ये क्वेश्चन अलग आ गया है, झील से क्वेश्चन जो अलग देखेंगे हम लोग, ये इससे रिलेटेड नहीं है। कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती? इसी प्रकार से देख रहे हैं, एक यहाँ देखिए, तिब्बत की उत्पत्ति माने जाने वाले, तिब्बत में उत्पत्ति माने जाने ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियों अपने ऊपरी घाटियों में संकीर्ण समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न, वही हेयर पिन साइज, या इसको हेयर पिन स्ट्रक्चर या फिर सिंटेंशियल बैंड भी कहते हैं, यह यू टर्न क्यों बनती है? देख रहे हैं यूपीएससी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ही बड़ा होता है डरावने के लिए, लेकिन अगर आप गहराई समझिएगा तो कोई बहुत ज़्यादा इस पर मतलब दम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप देखिए, यहाँ आप ऑप्शन से पता चल जाएगा, आपको चर्चा में कर चुका हूँ। अब आइए देखिए, देखते आगे में क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र शामिल नहीं होती है, अपवाह तंत्र में जो नदी शामिल नहीं होती, देखिए गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है और महानदी है। अगला है, सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? देखिए अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कौन सी नदी पीर पंजाल से निकलती है, ये आप देखिए, तलज, रावी, झेलम, चिनाब, ठीक है। गंगा नदी नौगम में नहीं है, ये सरसन वाला है, इसको देख लीजिए आप। देखिए कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है, भी चर्चा कर चुके हैं। अरावली नदी पर्वतमाला से निकलती है, कौन सी नदी पर्वत? देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसकी चर्चा नहीं हो चुकी, और सारे जो है कमीशन के संघ लोक सेवा आयोग में पीछे से क्वेश्चन है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको ठीक से वीडियो से देखा है तो आपका एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन जो रिवर से संबंधित होगा या ग्लेशियर से संबंधित होगा। आइए अगले पेज के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। देखिए ये बनाया हुआ है, कह रहा है कि 1, 2, 3 प्रदर्शित नदियाँ क्रमशः, कुछ है इसमें डराने के लिए दे दिया है, यहाँ पर 1 दिखाकर इसे दे दिया है डराने के लिए, इसकी ट्रिब्यूटरीज को दिखा दिया है, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर भी वही दिखा दिया है, देखिए इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, आप क्वेश्चन और भी मैंने दिया है, आप क्वेश्चन को देखिए, बनाइए और आगे देखिए, इस भी क्वेश्चन दिया हुआ बनाइए। अगर जहाँ क्वेश्चन किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन होता है हमसे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन करते हैं आप समझ में नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दूंगा, और मैंने जो भी यहाँ दिया है सारे संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आप ठीक से वीडियो को नहीं देखें शुरू से तो फिर से देखिए और क्वेश्चन को बनाइए, मैं दावे के साथ करूँगा आपका एक क्वेश्चन इसे नहीं छूटेगा, और ये किसी ग्रुप डी और ग्रुप सी के क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये संघ लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपके वीडियो रेगुलर प्राप्त होता रहे। थैंक यू दोस्तों।